सवाल है गोधरा के मुसलमानों की इन बातों का असर चुनावी संग्राम पर भी पड़ेगा। अगर बीते दो विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो पता चलता है कि गोधरा विधानसभा सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी ने ही विजय का परचम लहराया। तो गोधरा की मेन मार्केट में मौजूद और लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत हमारी जारी है। एक खाद और अनाज की दुकान में पहुंच गए और यहां भी कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना और ये बताइए कि गोधरा का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचता है। कुछ सोच बदली है या आज भी वही सोच है जो कांग्रेस दिमाग पे बैठाया करती थी और ये बताया करती थी ये तो दंगा कराने वाले हैं, ये हिंसा कराने वाले हैं, ये मुसलमानों से नफरत करने वाले हैं, ये मौत के सौदागर। 2014 में जब से मोदी साहब ने दिल्ली की गादी पर बैठे तब से लेके आज दिन तक मुसलमानों का विश्वास, जो उसका स्लोगन है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुसलमानों के अंदर और सबका प्रयास लेटेस्ट ऐड किया उन्होंने, तो मुसलमान का प्रयास के साथ मुसलमानों को साथ लेके ने एक नई दिशा दी है देश के राजकारण को, एक नई दिशा दी है। ठीक है, और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ सिर्फ मतबैंक की राजनीति की है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सिवा और कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी भेदभाव नहीं किया, इसी वजह से आज मुसलमान भाजपा की तरफ। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उनको भी वोट क्यों कर रहा है मुसलमान साहब? इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर देखो ये दुकान है, यहाँ का भाव अलग होगा, वहाँ का रेट अलग होगा, दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जो जागरूक मुसलमान है, जिस मुसलमानों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई मोदी के पीछे, भाजपा के पीछे हमको चलना है, वो आ ही रहे हैं भाजपा में। तो मुसलमान मोदी जी के पीछे चल रहा है? जी जी, क्यों चल रहा है? मोदी जी तो नफरत का बाजार खोले थे, मोदी जी नफरत की दुकान में, राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी मोहब्बत फैला रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने फिर सूत्र दिया ना, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास करके हो रहा है कुछ। हाँ, हो रहा है, हज का कोटा बढ़ गया मोदी जी के आने के बाद, सबका विकास हो रहा है सर जरूर। गोधरा में मुसलमानों की कंडीशन क्या है? 2002 से पहले बेहतर थी जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, या 2002 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली उससे लेकर आज तक बेहतर हुई है? कब बेहतर थी सर? अभी बहुत अच्छा है सर, और 21वीं सदी चल रही है सर, जो पहला जे था उससे तो अभी बहुत अच्छा है सर। पहला हनकाल के तरफ लोग थे, अभी उज्वाला के तरफ आ रहे हैं सब। पहले अंधकार था, अंधकार के राज। हाँ जी सर। तो 60 साल क्यों वोट देते रहे आपके बालिदान साहब? ये मेरी बात सुनो सर, ये सब सिस्टमेटिक होता है, ये समय का ही है सर, ये समय समय की बात है सर। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के साथ में है। मुसलमान बीजेपी के साथ आ गया? बिल्कुल सर, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बीजेपी को वोट? नहीं नहीं, वो उनकी नीति खराब थी कांग्रेस की। हाँ। वो मुसलमानों हिंदू को लड़ाने की नीति थी, बाबरी मस्जिद का जो 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 फैसला जो जो कुछ उन्होंने विवाद किया वो कांग्रेस ने किया है। हाँ। भाजपा वाला ने तो वो जब वो विवाद कर रहे तो भाजपा वाले क्या फूल सूंघेंगे? वो भी तो कुछ उनका भी को करेंगे ना। तो मोदी जी ने और कोई ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने आज तक जो मुसलमानों को वोट ले लेके झगड़ा और फसाद किया और राज किया, उसका कुछ नहीं किया। बंटवारा किया देश के अंदर, आज 135 करोड़ की आबादी है, देखो मोदी जी कैसा तंत्र चला रहे हैं। कुछ विवाद कभी कभी कुछ हो, छोटे मोटे दंगे होते हैं तो गुजरात में भी होते हो, तुरंत उसको दबा देते हैं। और कांग्रेस के राज में तो एक एक महीना 10-10 साल, हमारे गोधरा में एक साल कर्फ्यू रहा था 1980 में, जब तो मैं छोटा था, पर हमने सुना है कि एक साल कर्फ्यू रखा था। 2024 में मुसलमान किसको वोट कर रहा है? जरूर बीजेपी को। मोदी जी को किसको वोट कर रहा है 2024? बीजेपी को वोट करेगा मुसलमान। बताइए भाई 2024 में मुसलमान किसको वोट करेगा? डेफिनेटली बीजेपी, डेफिनेटली बीजेपी। तो देखिए ज्यादातर राय गुजरात के गोधरा से आपके सामने रखने की कोशिश की और समझाने की कोशिश कि गुजरात के गोधरा में कितना कुछ बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच कितनी बदली और आज गोधरा का मुसलमान सब कुछ भूलकर कितना आगे बढ़ चुका है। फिलहाल आज गुजरात के गोधरा से मेरे साथ इतना ही, कल किसी और शहर, किसी और जगह, किसी और राज्य, कुछ और मुसलमानों से बातचीत और ये समझने की कोशिश कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ सोचता है। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के